आज मैं आई हुई हूँ गोवा, कल से जुए निकालने में बिजी हूँ भाई। चल चल के मेरी हालत खराब हो गई। सनशाइन एंड ये जो इस हैट से वो आ रहा है, वैसे ये मैंने लिया था H&M से एंड क्वाइट प्रिटी। आज काम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है एंड इट्स नाइस वाइब हियर। इट्स वेरी नेचुरल, बहुत ग्रीनरी है। और वो जो शरबत सी मैंने पी थी दैट वॉज कोकम का जूस, कुछ होता है यहाँ पे एक फ्रूट होता है उसका और उसमें अल्कोहल नहीं होता, सो दैट वाज अ वेलकम ड्रिंक, तो मैंने वो पिया एंड अब हम चलते हैं। चलो चलते रहो चलते रहो। ये है गोवा काजू, ये आप देख सकते हैं स्टोर है। भैया गोवा में काजू फेमस है क्या? ओके चाहिए, चलते हैं। तो गोवा में काजू बहुत होते हैं। कितने रुपए किलो है? 600। तो ऐसा कुछ है कि गोवा में कम रहता है बाकी जगह से रेट या उतना ही होता है? नहीं, क्वालिटी पे डिपेंड होता है। अच्छा, गोवा के काजू में क्या है कि स्वीट नहीं होता। ठीक है, मैं अभी बीच जा रही हूँ तो रिटर्न में फिर आती हूँ। ओके थैंक यू सो मच। सो काजू तो अच्छे थे और उन्होंने मेरे सामने ऐसे छिल के भी दिया, सो इट वॉज गुड। उन्होंने कहा 600 रुपीज के जी चल रहा है यहाँ पे, यानी सेट क्वालिटी पे डिपेंड करता है। चलिए हम बीच की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें बाइक्स ऑन रेंट मिल सकता है और ये सारा इनका डला हुआ है कि कहाँ कहाँ घूमने की जो है। ओह कैलाश पर्वत यहाँ भी ना है। गोवा की स्पेशलिटी होती है टैटू एंड ये यहाँ पे कुछ स्टोर।
हालत खराब हो गई, उन्होंने बोल दिया वॉकिंग डिस्टेंस और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बट इतना चलना पड़ा। ये कुछ तो है मैप की तरह, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कुछ है कालीन जैसा। सारे बहुत ज़्यादा प्यारा दैट ड्रीम कैचर था वहाँ पे। ये यहाँ पे क्लब है, लेडीज नाइट, फ्री एंट्री। ये भैया दिखा रहे हैप्पी म्यूजिक बोलते हैं भैया इसे, हैप्पी ड्रम है ये। अच्छा, हैप्पी ड्रम हाँ। हुआ करनी में दोनों से ही बजता है ना। माइंड को हाँ। ओके, और ये भी वैसा ही हाँ, होता ये भी है। ये मेडिटेशन पानी डाल के करेंगे ना, इसका पानी उफलाएगा, पानी बाहर आता है। ओके। बहुत अच्छा है। मैंने स्लिपर्स नहीं लाए और ये रेत पूरा फुटवेयर पे आएगा। ये है बीच आ गया। एंड ओह माय गॉड, मुझे सच में बीच पे नहाने की इच्छा हो रही है। इट्स लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल। आई मीन मुंबई में भी बीच है हुआ करते थे, बट वहाँ का पानी ऐसे साफ नहीं होता। सो इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक जब मैं बचपन में अंडमान गई थी